का बर्थडे है और क्या कुछ शुभकामना देना चाहेंगे आप? प्रणाम, मैं सोनी पटेल, आज प्रेम सिंह जी का बर्थडे है तो बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहूंगी। चाहूंगी कि उनका हर एक जन्मदिन बहुत बहुत सारी खुशियां लेकर आए और बहुत सारी फिल्में वो करें। और पूजा भी हो रहा है, गणपति पूजा भी है, और बस बहुत सारी बेस्ट विशेज है प्रिंस सिंह जी के लिए। आज प्रोडक्शन हाउस का भी ओपनिंग हुआ है, यहाँ मुहूर्त हुई है, उस बारे में क्या कुछ बोलेंगे? बिल्कुल, एक मयूरी प्रोडक्शन हाउस जिनके प्रोड्यूसर है पायस पंडित जी, तो बहुत सारी कंग्रेचुलेशन बधाई उनको। और दूसरा है ये माटी प्रोडक्शन क्योंकि अवधेश कुमार सिंह जी का है, तो उनको भी बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन। आई विश कि इन दोनों प्रोडक्शन से बहुत सारी फिल्में बने और उन फिल्मों में मैं भी काम करूं। जी बहुत बहुत थैंक यू सो मच। पकड़ के लाओ जी। सब बर्थडे है और यहाँ शुभारंभ हुआ है दो प्रोडक्शन हाउस का, क्या कुछ बोलना चाहेंगे, किस तरह की शुभकामना देना चाहेंगे? बहुत बहुत शुभकामना देना चाहेंगे प्रिंस सिंह राजपूत को भी और पायस पंडित जी को भी, और हमारे जो बड़े भाई हैं अवधेश सिंह जो गोरखपुर से, उनको भी जो अभी हमारे बीच नहीं है, है ना, वो आना चाह रहे हैं लेकिन देखिए पता नहीं कब तक आएंगे। सर आपकी आने वाली प्रोजेक्ट कौन कौन सी और कौन कौन सी प्रोजेक्ट आप किए हैं उस बारे में कुछ बताइए? मतलब प्रिंस को लेकर के या प्रिंस को लेकर और सबको लेकर? सबको लेकर तो मैं मनोज तिवारी साहब को लेकर फिल्म बनाया यादव पाल भंडार, विनय आनंद को लेकर के बनाया पागल प्रेमी, पवन सिंह अक्षरा सिंह को लेकर बनाया ठोक दे सैया सुपरस्टार, प्रिंस सिंह राजपूत को लेकर हम यार हैं तुम्हारे रिश्ता जन्म जन्म का, तुम जो मिल गए हो, आने वाले प्रोजेक्ट तीन चार हैं जिसमें प्रिंस दो फिल्म में हीरो है। आज प्रिंस जी का बर्थडे है। हाँ जी। और आज प्रोडक्शन हाउस का उद्घाटन भी है। आइए ना सर सामने। हाँ आज प्रिंस जी का बर्थडे है, उद्घाटन भी है, उम्मीद करें कि नई फिल्म मिलेगी आज प्रिंस जी को आपके द्वारा। हाँ बिल्कुल सर, यहाँ हाँ बिल्कुल, इसलिए सवाल मैं बोला सर सामने से करते ना। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल मिलेगा सर, है ना। हाँ प्रिंस जी चूँकि बहुत कोऑपरेट करते हैं और उनके साथ काम करने में बहुत सहूलियत होती है हर चीज़ में, मतलब वो एज एन एक्टर के साथ साथ ऐसा लगता है कि वो खुद फिल्म के प्रोड्यूसर हों जो सपोर्ट बहुत करते हैं सेट पे हर चीज़ों में, तो बिल्कुल करेंगे उनके साथ सर। नेक्स्ट थैंक यू सर। आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। जी नमस्ते प्रणाम, हम प्रिंस सिंह राजपूत, हमारे जितने भोजपुरी दर्शक हैं भोजपुरी ऑडियंस हैं, समस्त हिंदुस्तान को प्रणाम करता हूँ भैया। अब मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ जो जो हमारे पूरा बिहार के यूपी के हमारे इंडस्ट्री के जितने लोग हैं सबने हमको मुबारकबाद दिया जन्मदिन का, प्रणाम करता हूँ। बोलिए सर, आज आपका जन्मदिन है, कौन सा स्पेशल गिफ्ट आज आपको मिला हुआ है? ये जी आज का दिन हमारे लिए बहुत बड़ी बहुत बड़ा दिन है क्योंकि आज मुंबई के गोरेगांव में एक बहुत ही बेहतरीन ऑफिस का उद्घाटन हुआ। हमको लगता है कि ये पहली बार ऐसा हुआ है कि दो प्रोडक्शन हाउस मिलके एक साथ फिल्में बनाने जा रहे हैं, एक ऑफिस में इतना अच्छा तालमेल है कि दोनों हमारे मती प्रोडक्शन हाउस है और मयूरी प्रोडक्शन हाउस है। जो मती प्रोडक्शन हाउस हमारे अवधेश कुमार सिंह है जो गोरखपुर के किंग है, हमारे बहुत बड़े बिल्डर हैं, हमारे बड़े भाई है, और मयूरी प्रोडक्शन हाउस हमारे पायस जी का है जिनकी कई जो कि कई फिल्में हम लोग साथ में किए, अभी तीन चार फिल्में कंटिन्यू कर रहे हैं। इन्होंने एक बहुत ही बड़ा कदम उठाया है, एक एज ए हीरोइन हो के एज ए वूमेन लेडीज हो के आज प्रोडक्शन हाउस खोली है, तो हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है। सर ये प्रोडक्शन हाउस किस तरह की फिल्में बनाएगी उस बारे में कुछ बताएंगे, या कोई फिल्म आपके है आपने चुनाव कर लिया है? जी जो मती प्रोडक्शन हाउस है हमारा अवधेश भैया का, वो तो हमको लगता है कि वन मंथ में स्टार्ट कर देंगे, जिसके फर्स्ट तीन चार फिल्म अनाउंस कर रहे हैं, जिसका पहला फिल्म हमारे अजय कुमार जी है डायरेक्टर जिनके साथ दो तीन फिल्में किया, तो फर्स्ट फिल्म अजय कुमार जी कर रहे हैं इस प्रोडक्शन हाउस से। टाइटल 10 है, अभी क्लियर नहीं हुआ है कि किस टाइटल पे काम करना है, और उसके बावजूद भैया का प्रोडक्शन हाउस से हम लोग फर्स्ट फिल्म कर रहे हैं, और जो पाई जी का प्रोडक्शन हाउस है तो ऑलरेडी हम लोग ने चार पाँच फिल्में साइन कर ली है, हम लोग पास टाइम नहीं है, ये भी अच्छी कहानी के तलाश में है, हमारे अजय जी है कई और राइटर से ये संपर्क कर रही है अच्छे कहानी के तलाश में, जिस दिन अच्छा कहानी मिलेगा उस दिन देन ये स्टार्ट कर दिया, जिस दिन हम लोग फ्री रहेंगे कुछ टाइम रहेगा तो अब इनके प्रोडक्शन हाउस से हम लोग फिल्म करेंगे। पायस जी आप और प्रिंस जी नई जोड़ी आ रही है भोजपुरी में, लोग पसंद कर रहे हैं, डायरेक्टर उनसे पसंद कर रहे हैं, इसको आप किस नज़र से देख रहे हैं? मैं तो बहुत पॉजिटिव ऑप्टिमिस्टिक अपने आप को फील करती हूँ कि मैं
पहले तो अपने आप को फॉर्चुनेट फील करती कि मैं प्रिंस जी के साथ काम किया मैंने, और लोगों को, दर्शकों, निर्देशक को, प्रोड्यूसर को, डायरेक्टर को हमारी जोड़ियाँ पसंद आ रही, तो जाहिर सी बात बहुत खुशी हो रही है और अच्छा लग रहा है लोगों को पसंद आ रहा है। सर कुछ नाम गिना सकते हैं जो अभी फिलहाल जो आज एक दो मूवी में समझ रहा हूँ जिसमें आपने मुहूर्त किया है, आपकी वो फिल्म के नाम कुछ बता। नाम अभी ओपन नहीं करेंगे क्योंकि वो हमारे जो कैप्टन है, हमारे डायरेक्टर है, हमारे जो प्रोड्यूसर है, हमारे जो बॉस है प्रोड्यूसर, जो हमारे फिल्म के कैप्टन है डायरेक्टर, जब तक वो अनाउंस नहीं करेंगे मैं नहीं करूँगा, उसके लिए मैं सॉरी चाहता हूँ। हाँ पायल जी, सबसे पहले तो आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं आज इस परिधान में, और आज कुछ खास है, क्या कुछ कहना चाहेंगे ड्रेस के बारे में, ज्वेलरी के बारे में, कानों में झुमका है वो बरेली का है कि कहाँ का? पहले तो थैंक यू आप सबका, सारे मीडिया का, आप यहाँ आए, मैं एक नई शुरुआत करने जा रही हूँ प्रिंस सिंह के जी के साथ, तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू आप सारे लोग आए। आज ये परिधान इसलिए पहना है मैंने क्योंकि हम पूजा करने वाले हैं, हम लोग पूजा की है, अभी अभी हम लोग भारतीय सभ्यता को फॉलो करते हैं, तो भारतीय में जब हम पूजा करते हैं तो साड़ी पहनते हैं, इस वजह से मैंने साड़ी पहना हुआ है। पायल जी, दर्शकों को ये बताएं कि आपकी प्रोडक्शन हाउस किस तरह की जॉनर की फिल्म बनाना चाहेगी, कॉमेडी होगी, जो थ्रिलर होगी, किस तरह की होगी? पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं हमेशा से, चाहे वो एक्टिंग फील्ड हो, चाहे प्रोडक्शन हो, चाहे मैं क्वालिटी पे वर्क करती हूँ, क्वांटिटी पे जाती नहीं हुआ है, मुझे क्वालिटी वाले कार्य हमेशा, तो मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं साल में 10 फिल्में बनाऊँगी, 20 फिल्में बनाऊँगी, मैं चाहती हूँ साल में अगर मैं भोजपुरी इंडस्ट्री को दो या एक ही अच्छी फिल्म दे दूँ तो मेरा प्रोडक्शन हाउस हिट है, मैं मेरे को काम करके संतुष्टि मिलेगी। तो मैं फ़िलहाल अभी मैं बाहर काम कर रही हूँ, तो मैं अपने प्रोडक्शन हाउस से स्क्रिप्ट पे देख रही हूँ, जहाँ लगेगा कि हाँ ये फिल्म मुझे करनी चाहिए उस हिसाब से, जॉनर ऐसा कुछ नहीं पकड़ा कि फैमिली ही चाहिए या फिर एक्शन ही चाहिए, रोमांटिक ही चाहिए, देखा जाएगा कैसी स्क्रिप्ट है, मुझे पसंद आनी चाहिए उस हिसाब से बनाना। और मयूरी प्रोडक्शन की बात करें तो कैसे जहन में आया कि मयूरी क्या है, इसके पीछे क्या राज है, मयूरी क्या है, कौन है ये मयूरी तो नहीं हो? हाँ मयूरी मतलब मोर, जिसमें बहुत सारे कलर बिखर जाते हैं, मोर, तो मैं चाहती हूँ जब भी जो भी है हर जगह कलर और खुशियाँ, बारिश का मौसम है, यू नो मोर जब नाचता है, और उसमें कृष्ण जी के भी, मैं कृष्ण की भी भक्त हूँ, कृष्ण जी का पंख भी है, तो इस टाइप से मैं थोड़ा पॉजिटिव नाम मुझे चाहिए था, तो मुझे मयूरी अच्छा लगा। तो आज जब ऑफिस का उद्घाटन हो रहा है तो आज मतलब मोर की जैसे आप लग रहे हैं, मोरनी की जैसे लग रहे हैं, और आज का ही दिन क्यों चुना ये ऑफिस उद्घाटन के लिए या प्रोडक्शन उद्घाटन के लिए? मैं बोलूँगी तो बड़ा अजीब सा लगेगा, ये सच में कहा जाए ये हमारी प्लानिंग नहीं थी, मैंने तो सोचा था मैं नवरात्र में अपने ऑफिस को उद्घाटन करूँगी या प्रोडक्शन हाउस का, बट शायद गणपति बप्पा चाहते थे कि अभी किया जाए, तो ये सब कुछ दिनों में ही प्लान हुआ, और बहुत शुभ दिन था, आज प्रिंस जी का बर्थडे था, तो हमने सोचा कि हम दोनों प्रोडक्शन हाउस का आज ही गणपति बप्पा के आशीर्वाद से शुभ मुहूर्त किया जाए, श्री गणेश किया जाए, तो बस गणपति बप्पा जी ने चुना है ये दिन, हम लोगों ने नहीं चुना। ओके, अब प्रिंस जी आपसे भी जानना चाहेंगे, माती प्रोडक्शन की बात करें तो क्या है माती, और क्या इसका मतलब नाम का जो वैल्यू है ना माती, क्या है, किसको कहते हैं, और क्या ये मती है? नॉट माती, ये मती हमारे जो बड़े भी हैं उनके मम्मी का नाम है, जिससे कि गोरखपुर में उनका सारा बिजनेस मती के नाम से है, बहुत बड़े वो बिल्डर है, ज़मीन का कारोबार है काफ़ी सारा, तो मती के ही नाम से है। तो हम लोगों ने देन अभी 3-4 फिल्में गोरखपुर में किया, वो सेट पे हमेशा आते थे जाते थे, फिर उन्होंने देखा सारा सिस्टम, हमारे अजय जी डायरेक्टर थे, उनके काम करने का तरीका देखे, जो अजय जी वर्क कर रहे थे वो तरीका देखे, पूरी टीम देखे, तो उन्होंने बोला कि हमको फिल्म हमको कंटिन्यू बनाना, फिर उस पर हम लोग बैठे गए गोरखपुर, मीटिंग हुआ, फिर देन मती उनका लकी हुआ है, मम्मी का नाम है, माँ का तो हमेशा आशीर्वाद सब पे रहता है भैया, तो माँ के नाम से उन्होंने बोला और प्रोडक्शन हाउस खोले, आज देखिए उसका ओपनिंग हो गया। प्रिंस जी का बर्थडे जब हो तो बहुत लोगों को इंतजार रहता है, और बड़े बड़े जगह पे हम लोगों ने कवर किया है आपका बर्थडे जी, और क्या कुछ कहना चाहेंगे आज, सबसे पहले किसने विश किया आपको बर्थडे का, और कितनी शुभकामनाएं आज आई कुछ शेयर करना चाहेंगे? जी बिल्कुल, कल 12 बजे के बाद से काफ़ी सारे फ़ोन आए, हमारे सबसे पहले हमारे घर से फ़ोन आया, हमारे जो दीदी है उसने विश किया, फिर 22 दिन है, उसके बाद से काफिला तो लगा भी, दिन भर हमारे जितने दर्शक हैं, हमारे चाहने वाले हैं, सब लोग ने विश किया। मैं बहुत बड़े बड़े जगह पे मैंने बर्थडे मनाया, JW से लेके बुरा कोई जगह नहीं जहाँ मैंने बर्थडे नहीं मिले, लेकिन जो आज यहाँ सुकून मिल रहा है उस जगह पर नहीं मिला था भैया, जो आज मैं यहाँ फील कर रहा हूँ, जितना हैप्पी हूँ,
बहुत देखिए नहीं माँ मेरी माँ का सामने एकदम सच्चा फोटो लगा हुआ आशीर्वाद दे रही है। मैं माता रानी का भक्त हूँ, मैं माँ का मानता हूँ और माँ का ही आशीर्वाद से देखिए क्या पायल जी के साथ कंटिन्यू कोई फिल्म करने के बाद प्रोडक्शन हाउस भी खुल गया है, क्या कुछ रीजन है कि कंटिन्यू बैक टू बैक साथ फिल्में कर रहे हैं? बिल्कुल, सबसे पहले तो आपको नमस्ते है संजय जी, जी काफ़ी देर बाद आए हैं, हमको लगता है कि सब देखिए ये सब इंतफाक है, पाए जी से मिले उसके बाद से कैसे क्या हुआ, सारे डायरेक्टर प्रोड्यूसर कंटिन्यू लेके फिल्में करना स्टार्ट कर दिया, हम लोग 3-4 फिल्में साथ में कर रहे हैं, फिर ऐसे प्लान बन गया कि प्रोडक्शन हाउस पाए जी बोले कि खोलना है, हम पाए जी ने प्रोडक्शन हाउस खोल दिया, आज देखिए जिस स्टेज पे आ गए कि सब कुछ ओपन भी हो गया, देन आगे क्या होगा हम नहीं जानते लेकिन लगता है कि बहुत जल्द हम लोग फिल्म भी स्टार्ट कर। अभी तक कौन कौन सी फिल्म कर चुके हैं नाम बताएं? जी सबसे पहले हम लोगों ने किया था ये रिश्ता जन्म जन्म का, फिर किए थे तुम जो मिल गए, फिर मनमौजी है, राधा कृष्ण है और है जी, पहला पिक्चर था ये रिश्ता जन्म जन्म के, हमको लगता है ये रिश्ता बहुत जन्म जन्म तक सात जन्म तक चलने वाला है, फिंगर क्रॉस ऐसा हो नजर ना लगे किसी की। रिश्ते बहुत मुश्किल से बनते हैं इस दुनिया में और सिर्फ खून के रिश्ते वैल्यू नहीं करते, दिल के रिश्ते मन के रिश्ते भी वैल्यू करते हैं और रिश्ते बहुत मुश्किल से बनते हैं, मैं चाहती हूँ जन्म जन्म तक चले। तो आज जन्मदिन पे क्या कुछ गिफ्ट दिया आपने? सब कुछ तो यही का है, ऑफिस इनका है, ये मैंने क्या दिया मैं क्यों बताऊँ, आइए सुजीत भैया। नमस्कार संजय बाबू, क्या कुछ कहेंगे प्रिंस जी? तो सब गोल वाला दोनों गोल वाला पायल जी भी बोल दिए, प्रिंस जी बोल दिए, और हार्दिक शुभकामना देंगे इनको इनके जन्मदिन की खुशी में और इनके नए ऑफिस की ओपनिंग के। आप बहुत लकी हैं, जैसे पायल जी लकी हैं कंटिन्यू बैक टू बैक फिल्में कर रहे हैं जी, क्या आपका क्या रिश्ता है इनके साथ? एक अच्छा दोस्त है हम, और सच पूछिए तो वापस मैं बोला पायल जी मेरी फिल्म कीजिए और इन्होंने एक्सेप्ट किया, इस बात की खुशी है मुझे, और यहाँ से फिर एक रिश्ता ही बन गया अलग जो आप लोग के बीच है। दोनों में क्या देखते हैं कि हमेशा इन्हीं को लेकर दोहरा रहा है, मैं भी खड़ा हूँ, अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। मैं अच्छा नहीं हूँ? नहीं आप तो अच्छे हैं, सोचते हैं आपको हीरो बनना है, इसके लिए हीरोइन से पूछना पड़ता ना भाई, आपके अपोजिट हीरो चाहिए कौन? ऐसा चेयर लाओ ना। अच्छा जी, अभी लास्ट कौन सा पिक्चर कम्प्लीट किया आपने? ये रिश्ता तो कंप्लीट हो गया है, स्टार्ट कौन किया ये पूछिए, तुम जो मिल गए, तुम जो मिल गए, हाँ तो ये सोचो कितना बढ़िया टाइटल है, तुम जो मिल गए, मैं तुमको छोड़ने वाला नहीं है। नमस्कार सबको। हाँ हाँ, मेरा रिएक्शन ये है कि कहाँ से लाते हैं आप इतने खुराफाती सवाल, कहाँ कहाँ से पूछते हैं ये सवाल, यही सोच रही हूँ। जो इनको विश करता है वही सेलिब्रिटी है, सेलिब्रिटी कौन होता है, कौन है सेलिब्रिटी? पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री ने सेलिब्रेट किया। भाई जी आप अभिनेत्री हैं, राजनीति सक्रिय है, प्रोडक्शन हाउस है, किस तरह से जिम्मेदारी आप उठाएंगे, कौन आपको सपोर्ट करेगा इसमें कुछ? आपको पता है ना महिलाओं के पास 9 हाथ होते हैं, सर्वशक्तिशाली होती है, तो हम सब कुछ कर सकते हैं, घर भी संभाल सकते हैं, बच्चे भी संभाल सकते हैं, प्रोडक्शन हाउस भी, देश भी, सब कुछ, बहुत शक्ति है। आपको कौन मोटिवेट कर रहा है, इतनी सारी आप जिम्मेदारी उठा रहे हैं, मोटिवेट कौन करता है? मैं खुद मोटिवेट करती हूँ, और मेरी जिंदगी में जो मुझे असफलताएं मिलती हैं उससे मैं चुनौती के रूप में लेती हूँ और उससे एक्सेप्ट करके आगे बढ़ती, तो मुझे मैं खुद ही मोटिवेट करती रहती हूँ। मिर्जापुर में जो चुनाव होने वाला आपका, क्या कुछ तैयारी चल रही है? मैं बॉम्बे, मुझे इतना काम दे रहा कि मुझे मतलब टाइम ही नहीं मिल पा रहा, मेरे क्षेत्र के लोग बहुत परेशान है कि मैडम कभी आएंगी कभी आएंगी, तो मेरे टीम वहाँ काम कर रही है, मैं वक्त नहीं दे पा रही क्योंकि मैं शो कर रही हूँ तो वक्त नहीं मिलता, 7 to 7 हमारी शिफ्ट होती है तो वक्त नहीं दे पा रही, बट मेरी टीम काम कर रही है। कुछ वहाँ के अपने पब्लिक को कुछ कहना चाहेंगे, काफी लोग देख रहे हैं? हाँ, मैं अपनी पब्लिक को कहना चाह रही हूँ कि आपकी पायस पंडित बहुत जल्दी आप लोगों के बीच आएगी, फिलहाल कर्मभूमि में है, अभी वो वाली कर्मभूमि बहुत जल्दी आएगी, अपना प्यार और विश्वास ऐसे ही बनाए रखें, ये आपका करण अर्जुन जरूर आएगा। आइए सुजीत भैया। सुजीत सर, सबसे पहले हमें जितने भी हमारे मीडिया कर्मी किराए प्रणाम करता हूँ, आज हमारे छोटे भाई दोस्त प्रिंस राजपूत जी का जन्मदिन है, तो दिल से बहुत बहुत बधाई दे रहा हूँ,
कि ऐसे ही चमकते रहिए और लोगों को चमकाते रहिए। पायल जी आपको बहुत बधाई कंपनी खुलने के लिए, क्योंकि ये कंपनी खुलती है तो हजारों लोगों को काम मिलता है और कंपनी सफल होती है तो लाखों लोगों को मिलता है। तो मेरी बधाई है कि आप इस कंपनी के लिए जितना भी हो सके आउटपुट अच्छा मिले, लोगों को काम मिले। सर आपने भोजपुरी इंडस्ट्री को बहुत हिट हिट फिल्म दी है, प्रिंस जी को लेके कौन सी फिल्म बना रहे हैं अभी? मुझे लगता है नवंबर में कुछ रिलीज होने वाली है, फिल्म का नाम है नरसिम्हा, जिसका ट्रेलर भी आप लोगों ने देखा होगा, पब्लिक ने ट्रेलर को काफ़ी सराहा है। नरसिम्हा है, फिर आने वाले समय में जो फिल्म और है जो जल्दी अनाउंस होगा। सर एक डायरेक्टर की नज़र जो है बहुत बारीक होती है, प्रिंस जी किस तरह के व्यक्ति हैं उस बारे में कुछ बताएंगे? देखिए व्यक्ति और इंसान तो लोग ऑडियंस खुद ही देख रही है, बोलने की बात नहीं है। सबसे पहले है कि इनका एक जो वर्कआउट जॉब होता है काम का, वो ये टेंशन होता है कि भाई मैं किसी प्रोड्यूसर के साथ या डायरेक्टर के साथ में हूँ तो जितना मतलब अच्छे से कम टाइम में अच्छा काम करके दूँ, वो एक टारगेट रहता है हमेशा। हर प्रोड्यूसर को इससे कॉन्ट्रेशन मिलता है। सर आपने भोजपुरी इंडस्ट्री को बहुत अच्छी फिल्म दी है और दर्शक ये जानना चाहते हैं कि आपकी रनिंग में कौन कौन सी पिक्चर चल रही है, कौन कौन से पिक्चर को डायरेक्ट कर रहे हैं? अभी तो मैं दिनेश जी के साथ में आर्मी और राजा डोली लेके आजा कंप्यूटर के आया हूँ, और इसके बाद है खेसारी जी के साथ में है, प्रिंस जी के साथ में है, तो कंटिन्यू फिल्म में कंटिन्यू है ही लगातार। बहुत बहुत थैंक यू, सारी शुभकामनाएं बताइए आपको और नए प्रोजेक्ट के लिए भी ढेर सारी शुभकामनाएं। आप भाभी जी आप भी बैठी हुई है, मैं चाहता हूँ कि आशीर्वाद दें इस मौके पर कि आपका जन्मदिन है और साथ ही साथ बड़ा दिन है आपके लिए। बहुत खुशी की बात है और आगे जाए और तरक्की करें। बचपन में किस टाइम कितने बहुत चंचल कितना परेशान किया आपने? हमको तो नहीं किए हैं लेकिन मम्मी जी बताती हैं, क्योंकि हम तो जब शादी करके आए थे बड़े बड़े हो चुके थे, उसके बाद भी तो देख रहे हैं ना, ये देखिए प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube app एंड नेवर मिस अनदर अपडेट।